दोस्तों कई बार आप देखते हो जब किसी साइट के अंदर आते हो तो यहाँ पे एक वॉइस की बटन मिलता है, जब इसको प्ले किया जाता है तो ऑटोमेटिकली साइट के अंदर जितने भी आर्टिकल रहता है वो पढ़ा जाता है। तो कुछ लोग ब्लॉग को पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तो वो लोग चाहते हैं वो एक बटन दबाए और ऑटोमेटिकली वो सुन के दूसरे काम करते करते वो ब्लॉग पढ़े। तो इसको कैसे आप अपने साइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो? दोस्तों ज़्यादातर यूएस यूके के लोग ये फीचर को यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि उसके पास टाइम इतना नहीं होता है कि सारे ब्लॉग को रीड करे। तो अगर आप इसको अपने साइट के अंदर बैठाएंगे तो साइट के एंगेजमेंट भी बढ़ेगा और बाउंस रेट भी बहुत ही कम हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप ब्लॉगर से और वर्डप्रेस से आप अपने साइट के अंदर इसी तरह वॉइस फीचर को एनेबल कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप नया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये हमारा एक वर्डप्रेस साइट है, पहले हम देखेंगे इस साइट के अंदर कैसे वॉइस फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे साइट में ऑप्शन है प्लगइन का, इसके सेक्शन पे आप एड न्यू करके रख देंगे। आज इस वीडियो में आपको एक साइट के बारे में दिखाऊंगा जिसके अंदर आप वर्डप्रेस के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं और ब्लॉगर के लिए कुछ कोडिंग। तो साइट का नाम है websitevoice.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी है, एड फॉर फ्री पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक कोड मिल जाएगा, देख सकते हो प्ले डेमो। तो इस कोड को आप अपने साइट के अंदर बैठाएंगे तो डेमो इसका आप देख पाएंगे। तो इसको आपको नहीं करना है, साइड में राइट साइड पे यहाँ पे आपको साइट का एड्रेस को डालना है। साइट का यूआरएल को कॉपी करेंगे, होम पेज का यूआरएल करेंगे। यहाँ पे साइट का यूआरएल डालने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड डालना होगा जिस पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं इस साइट के अंदर तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड दे देंगे, उसके अंदर फिर से रिपीट करना है वही पासवर्ड को। डालने के बाद यहाँ पे एनेबल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा, उस ईमेल आईडी को पहले वेरीफाई करना होगा। तो हम इस पे पहले वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद ही सब काम कर पाएंगे फ्रीली। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आईडी आ चुका है, सॉरी कन्फर्मेशन लिंक। तो इस पे आप कन्फर्म अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे विजिट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बटन वाला को चूज करेंगे, नीचे इसको ग्रीन रखेंगे। उसके बाद तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, वेबसाइट वॉइस वर्डप्रेस, इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद वो जो टैब आपने खुले हो सेकेंड टैब में, इस प्लगइन टैब में, तो यहाँ पे आपको बैठाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट वॉइस ये आ चुका है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एम्प्टी कैशे को कर देंगे जिससे हमारा कैशे एम्प्टी हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद इस जगह आपको कोड को पेस्ट करना है। तो हमारे साइट जो यहाँ पे आपको कोड मिलेगा उस कोड को कॉपी करना है, इसको जस्ट कॉपी करना है, ऊपर वाला को नहीं है, नीचे इसको जस्ट कॉपी करना है। ऊपर वाला से पार्टिकुलर एक पेज के लिए करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो, अगर पूरा साइट के लिए करना चाहते हो तो नीचे वाला कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सिलेक्ट हेयर शो ओनली ब्लॉग पोस्ट इंस्टॉल इंस्टेड ऑफ ऑल पेजेस, मतलब इस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो पेज पे शो नहीं करेगा पर सारे पोस्ट पे शो करेगा। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट अनटिक ही रखेंगे, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेटिंग सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और अपडेट साइट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो आपके साइट को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे किसी भी पोस्ट को आपको खोलना है तो देख सकते हो। दोस्तों कंटेंट के साइड में आपको एक वॉइस की ऑप्शन मिलेगा, इस पे अगर प्ले किया जाए तो
पूरा कंटेंट ये पढ़ के दे देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप वर्डप्रेस के अंदर आपके एवरी कंटेंट के अंदर वॉइस फीचर को एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे कैसे ब्लॉगर के अंदर आप वॉइस फीचर को एनेबल कर सकते हो। ब्लॉगर साइट को आप खोल लेंगे, blogger.com को खोलेंगे। उसके लिए पहले वेबसाइट को खोल लेना है क्योंकि इसका URL ही आपको लगेगा। तो URL पे क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे इस पेज पे आप डायरेक्टली आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे आपको साइट को अपडेट करना है, एड्रेस को अपडेट करना है, अपडेट साइट पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप ग्रीन बटन देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे हम बटन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड जेनरेट होके आ जाएगा। इसको आपको कॉपी करना है और ब्लॉगर के यहाँ पे लेआउट सेक्शन पे जाना होगा। दोस्तों याद रखिए ब्लॉगर के हर टेम्पलेट पे ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से टेम्पलेट पे ये सपोर्ट करता है वॉइस फीचर। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉगर का सिंपल सा थीम है। यहाँ पे इस थीम पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे लेआउट सेक्शन पे आने के बाद आपको बॉडी सेक्शन को देखना होगा। पेज के बॉडी सेक्शन यहाँ पे है, तो ये हर थीम के लेआउट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा बॉडी सेक्शन। यहाँ पे कई बार पोस्ट बोल के भी आ जाता है, तो आप उसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड गैजेट पे क्लिक करना है। ऐड गैजेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे HTML/JavaScript इसको चूज करना है और यहाँ पे कोड को पेस्ट करना है, वहाँ पे जो कोड आपने कॉपी किए है। और यहाँ पे टाइटल आपको रखना है वॉइस, इसको आप नहीं भी दे सकते हो। मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वॉइस आ चुका है, इसको ड्रैग करके ठीक पोस्ट के पेज बॉडी या फिर पोस्ट के नीचे आपको डालना है। ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे रहेगा और उसके ठीक नीचे यहाँ पे ड्रैग करके ले जाना है और ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, मतलब साइट को रिफ्रेश करेंगे। देख सकते हो हर पोस्ट के अंदर वॉइस सिंबल आ चुका है। तो हम पोस्ट को खोलेंगे और यहाँ पे इसको अगर कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वॉइस के सारे फंक्शन काम करने लगेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके साइट के अंदर ऑडियंस एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए गुड बाय, टेक केयर।